सीएससी यानी ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक विश्वनाथ यादव को दिन दहाड़े 20 सड़क पर गोली मार दी गई। वहीं उनके पास से करीब 2,79,000 रुपए लूट लिए गए। इस दुस्साहसिक वारदात को दो नकाबपोश बाइक सवार अपराधियों ने खेडुआ नदी के पास अंजाम दिया और फिर फरार हो गए। घटना गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के खेडुआ नदी के पास की है। मिली जानकारी के अनुसार सीएससी संचालक विश्वनाथ यादव सरिया के केशवरी में ग्राहक सेवा केंद्र चलाता है। आज दिन में वो अपने केंद्र से करीब 2,79,000 रुपए लेकर बैंक में जमा करने जा रहा था। इस दरमियान खेडुआ नदी के पास एक बाइक पर सवार दो नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल सटाकर उससे पैसों से भरा बैग छीन लिया। वहीं प्रतिरोध करने पर उसे गोली मार दी और वहां से भाग निकले। उस रास्ते से गुजर रहे एक शख्स महेंद्र मंडल की नजर सड़क पर पड़े खून से लथपथ विश्वनाथ पर पड़ी। महेंद्र ने तुरंत लहूलुहान विश्वनाथ को सरिया के देवकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे रांची रेफर कर दिया गया। इधर वारदात की फैली खबर के बाद सरिया पुलिस अपराधियों को दबोचने में जुट गई है।